पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है, आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं दोबारा अपने घर लौट कर आ चुकी हूँ। पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, तहरीक इंसाफ की एक अहम विकेट गिरा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA नाज बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई, और ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये वो शहर नहीं जिसकी हमें तलाश थी। यही वजह है कि आज मैंने अपना PTI के साथ जो सियासी सफर है उसको अलविदा कहते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखा। नाज बलोच का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खवातीन को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। इस पार्टी में मेल शोविनिज्म है, और मेल शोविनिज्म जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम तर फैसलों में पार्टी के सिर्फ मर्द हजरात जो है वो शामिल होते हैं। वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर ने नाज बलोच को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मैं पहले तो नाज बलोच साहब को वेलकम करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अफकोर्स ये काविशें सईद गनी की थी, सबकी थी। फरियाल तालपुर का मजीद कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि नाज बलोच अपने वालिद की तरह पार्टी में फाल किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन अली इमरान के साथ चांद नवाब 92 न्यूज़ कराची।